अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा और जर्मनी के दरमियान हाइड्रोजन अलायंस मुहादे पर दस्तखत। कनाडा 2025 तक हाइड्रोजन बरामद करने के लिए पुरजम। ट्रूडो ने कहा कि हमें हाइड्रोजन जैसे वसाइल की तरफ देखना चाहिए। कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन के ताइवान के दौरे के ऐलान पर चीन का इंतबाह। चीनी सिफारतखाने ने कनाडा पर जोर दिया कि चीन के उसूल की पासदारी करे। ट्रूडो का कहना था कि हुकूमत यकीनी बनाएगी कि अरकान ताइवान के दौरे के तमाम मुमकिन नतज पर गौर करें। ओंटेरियो पुलिस का तीसरी बार शहरी के मौत के मुबैना जिम्मेदार अफसरान को सजा देने से इनकार। पुलिस का कहना है मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए शवाहिद नाकाफी हैं। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि कनाडा में शहरियों और पुलिस के लिए अलग अलग कानून हैं। तालिबान के मायूस कुन रवैये के बावजूद मुंजमिन दसासों पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका का कहना है कि फैसला अफगानिस्तान की तबाह शुदा मईशत को बहाल करने में मदद करने के लिए किया गया। अफगान नायब वज़ीर इत्तला'आत ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रूस को कमज़ोर करने के लिए बड़ा अमरीकी पैकेज। रूस से जंग। अमरीका यूक्रेन को मज़ीद $3 अरब के हथियार फराहम करेगा। इमदाद हथियारों के हुसूल, तरबियत और दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Ghar mein sabki healthy life ke liye. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کینیڈا اور جرمنی کے درمیان ہائیڈروجن الائنس معاہدہ طے پا گیا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم صاف توانائی کے قابل بھروسہ فراہم کنندہ ہو سکتے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا نے جرمنی کی توانائی کے بحران میں مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ منگل کو اسٹیفن ویل نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور میں ایک تقریب کے دوران دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کی گئیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے دستخط کیے، جسے انہوں نے مشترکہ ارادے کا اعلان کہا ہے، جس میں دونوں ممالک سے ہائیڈروجن میں سرمایہ کاری کرنے، ٹرانس ایٹلانٹک کینیڈا جرمنی سپلائی کوریڈور قائم کرنے اور 2025 تک ہائیڈروجن کی برآمد شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹروڈو نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ ٹروڈو نے کہا کہ ہمیں ہائیڈروجن جیسے وسائل کی طرف دیکھنا چاہیے جو صاف اور قابل تجدید ہو سکتے ہیں اور ہوں گے۔ ہم صاف توانائی کے قابل بھروسہ فراہم کنندہ ہو سکتے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ صاف توانائی کی ضرورت تقریباً لامحدود ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کینیڈا اور اٹلانٹک کینیڈا خاص طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے قابل تجدید وسائل کے ساتھ ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ معاہدے کے
तहत कनाडा हवा से पैदा होने वाली हाइड्रोजन जर्मनी को बरामद करेगा क्योंकि वो मुल्क रूसी दरामदात से दूर हो रहा है। जहां यूक्रेनी जंग ने एक फौरी बहरान पैदा कर दिया है, वहीं जर्मनी भी तवील मुद्दती पायदार हल के लिए खरीदारी कर रहा है। कनाडा 3 साल के अंदर अंदर कैनेडियन साख्ता हाइड्रोजन बरामद करने की उम्मीद रखता है। शॉल्स ने कहा कि जर्मन साहिल न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर में पाई जाने वाली हवा के हालात को बरकरार नहीं रख सकता, जो सूबे को हाइड्रोजन की पैदावार के लिए एक मिसाली मुकाम बनाता है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जर्मनी की मुस्तकबिल की तवानाई की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगी, खास तौर पर उन सनतों में जिनका कार्बनाइज करना मुश्किल है, जैसे कि जहाज रानी और हवाबाजी। कनाडा में चीनी सफारतखाने ने एक हफ्ते के बाद एक सख्त इंतबाह जारी किया है जब अरकान पार्लियामेंट ने ऐलान किया कि वो मौसम खिजा में ताइवान के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में चीनी सफारतखाने ने एक हफ्ते के बाद एक सख्त इंतबाह जारी किया है जब अरकान पार्लियामेंट ने ऐलान किया कि वो मौसम खिजा में ताइवान के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। कनाडा ताइवान फ्रेंडशिप ग्रुप के सरबरा जोली सिग्रो ने गुज़िश्ता हफ्ते मकामी मीडिया को बताया कि कनाडा के अराकीन पार्लियामेंट और सेनेटर्स का एक ग्रुप अक्टूबर के अवाइल में जजीरे का दौरा करने का मंसूबा बना रहा है, जबकि कनाडा के अरकान पार्लियामेंट माजी में ताइवान का दौरा कर चुके हैं। इस वक्त ताइवान के सिफारती दौरों के बीजिंग के साथ सियासी कशीदगी में इजाफे के खतरे के बारे में बहुत ज्यादा खदशात हैं। चीन के सिफारत खाने ने मंगल को मकामी चैनल को जारी करदा एक बयान में कहा कि चीन ताइवान के जजीरे को अपनी सरजमीन का एक नाकाबिले तंसीख हिस्सा समझता है। बीजिंग ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर पाबंदियां आयद की और इस माह के शुरू में पेलोसी के जजीरे का दौरा करने के बाद ताइवान के गिर्द फौजी मशकें की। चीनी सिफारतखाने ने अपने बयान में कहा कि चीन ताइवान के इलाके और चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म के सरकारी तबादले की सख्ती से मुखालफत करता है। चीन किसी भी ऐसे मुल्क के खिलाफ पुरअज़म और ज़बरदस्त इकदाम करेगा जो चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत में मदाखलत या उसके खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा। बयान में कनाडा पर जोर दिया गया कि वो एक चीन के उसूल की पासदारी करे और चीन के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मेम्बरान पार्लियामेंट अपने फैसले खुद करते हैं कि उनकी कमेटियाँ क्या मुतालबा करती हैं और वो क्या सफर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि अराकीन पार्लियामेंट ताइवान के दौरे के तमाम मुमकिन नतज पर गौर करें। ओंटेरियो में सूबाई पुलिस ने सूबे की जेल में एक शख्स की मौत पर तीसरी बार इल्जामात आयद करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पुलिस ने ओंटेरियो की जेल में एक शख्स की मौत पर तीसरी बार इल्जामात आयद करने से इनकार किया। ओंटेरियो प्रोविंशियल पुलिस सूबाई जेल में एक शख्स की मौत में मुलविस इस्लाही अफसरान के खिलाफ मुजरमाना इल्जामात आयद नहीं करेगी, इसके लिए कि सूबे के चीफ फ्रांसिंग पैंथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नतीजा अखज किया गया है कि अफसरान के इकदामात इसकी मौत का बाइस बने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान फकीरी शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला थे और 11 दिसंबर 2016 को सेंट्रल ईस्ट करेक्शनल फैसिलिटी में जेल के मुहाफिजों के साथ जद्दोजहद के दौरान उनकी मौत हो गई। अपनी मौत से कुछ दिन पहले वो तिब्बी सहूलियात का इंतजार कर रहे थे। सुलेमान फकीरी के बड़े भाई ने मकामी चैनल को बताया कि जहनी अमराज में मुब्तला लोगों के साथ इस बेइज्जती का सलूक क्यों किया जाता है, जहनी अमराज में मुब्तला अफराद को उनके घर वालों को बॉडी बैग्स में क्यों दिया जाता है। एक ईमेल में ओपीपी ने लिखा कि इस बात पर यकीन करने के लिए जरूरी बुनियादें बनाने के लिए नाकाफी शवाहिद मौजूद हैं कि मुजरमाना जुर्म का इर्तिकाब किया गया है। सूबे के चीफ फ्रांसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल पॉलिनन की अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट से इस ताज़ा तरीन तहकीकात को तकवीत मिली। अपनी रिपोर्ट में पॉलिनन ने कहा कि फकीरी की मौत जद्दोजहद मशक्कत और काली मिर्च के स्प्रे के दौरान लगने वाली पोजीशन पर काबू पाने और अजलाती जख्मों की वजह से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 साल नौजवान को 50 से ज्यादा कुंद ताकत के जख्म आए थे और वो बेड़ियों में था। पॉलिनन ने यह भी नोट किया कि फकीरी को बढ़ा हुआ दिल और बिगड़ता हुआ शिज़ोफ्रेनिया था जो उनके जख्मों की वजह से बढ़ गया था। अमेरिका ने काबुल में एमर अल ज़वाहरी की मौजूदगी और हलाकत पर पैदा होने वाले तनाव के बावजूद तालिबान हुकूमत के साथ मुजम्मद सांसों की बहाली के लिए मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
अमरीका ने काबुल में एमन अल जवाहरी की मौजूदगी और हलाकत पर पैदा होने वाले तनाव के बावजूद तालिबान हुकूमत के साथ मुंजमद असासों की बहाली के लिए मुजाकरात का अंदिया दिया है। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक ये फैसला अफगानिस्तान की तबाह शुदा मईशत को बहाल करने में मदद करने के लिए किया गया है। मुल्क को बदतरीन बेरोजगारी और महंगाई का सामना है। सैलाब ने भी तबाही मचाई है और अक्वामे मुत्तहदा ने खबरदार किया है कि मौसम सर्मा के करीब आते ही मुल्क की तकरीबन 4 करोड़ आबादी में से निस्फ अफराद को खुराक की शदीद कमी का सामना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में अमरीका को इंतहाई मतलूब अलकायदा रहनुमा एमन अल जवाहरी की मौजूदगी पर अमरीका ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इसे दोहा मुजाकरात के खिलाफ वर्जी करार दिया था। इससे कबल अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान में खवातीन की मुलाजमतों, लड़कियों की तालीम और तमाम तबकात की काबीना में नुमाइंदगी ना होने पर तालिबान हुकूमत से शिकवा करती रही है और अफगान सेंट्रल बैंक के रवैये से भी खुश ना थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उन वजूहात की बिना पर अमरीका मुंजमद अफगान असासों पर तालिबान हुकूमत से मुजाकरात से इनकार कर देगा। ताहम तमाम तर इख्तलाफात और तहफ़ुज़ात के बावजूद अफगानिस्तान के गैर मुल्कों में मौजूद अरबों डॉलर के मुंजमद असासों को जारी करने के हवाले से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का अंदिया दिया है। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने नायब वज़ीर इत्तिलात के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद बदस्तूर अफगान हुकूमत के मरकजी तर्जुमान के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। रूस के खिलाफ जंग के लिए अमरीका यूक्रेन के यौम आज़ादी के मौके पर 3 अरब डॉलर की नई फौजी इमदाद देने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रूस के खिलाफ जंग के लिए अमरीका यूक्रेन के यौम आज़ादी के मौके पर 3 अरब डॉलर की नई फौजी इमदाद देने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका जंग शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन को 10.6 अरब डॉलर की फौजी इमदाद फराहम कर चुका है। हुकाम ने कहा है कि फौजी इमदाद हथियारों के हुसूल, तरबियत और दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि 3 अरब डॉलर की इमदाद 6 माह की जंग में अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पैकेज है। दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में सोवियत यूनियन से यौम आज़ादी की सालाना तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। रूसी हमले के खतरे के पेश नज़र जश्न की तकरीबात मनसूख की गई हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के 31वें यौम आज़ादी की तकरीब से कबल रूसी हमलों से खबरदार किया है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.